बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हमास के सुरंग नेटवर्क का नया सबूत सामने आया है। बता दें आपको, सुरंग में बाइक चलाते हैं हमास के लड़ाके। गाजा में कई किलोमीटर लंबी सुरंग का जाल बिछाया गया हमास लड़ाकों द्वारा। हवाई हमले के बाद सुरंग में ये छिप जाते हैं। सुरंग में है हमास का कमांड सेंटर, सुरंग में हमास का हथियार गोदाम भी है। ये तस्वीरें जो बता रही हैं कि किस तरीके से इन सुरंग का बड़ा जाल हमास के लड़ाकों ने गाजा में बिछा रखा है। दूसरा लेबनान वॉर शुरू होने वाला है। आज इसराइल ने लेबनान के साथ ईरान को मिटाने का संकल्प ले लिया है। हिजबुल्ला की वजह से लेबनान के साथ साथ ईरान भी इजरायली बारूद की जद में आने जा रहा है। इजरायली सेना ने लेबनान बॉर्डर पर घात लगा दी है। आज रात लेबनान में बहुत बड़ा बारूदी वज्रपात हो सकता है। इस बात की आशंका इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इजरायल और हिजबुल्ला दोनों ने बॉर्डर के पास मौजूद अपने अपने इलाकों को खाली करवा लिया है। गाजा से भी बड़े हमले का ग्राउंड तैयार हो गया है। ये ग्राउंड लेबनान बॉर्डर है। यहाँ किसी भी वक्त बहुत बड़ा रक्तपात शुरू हो सकता है। दोनों तरफ से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने वाला है। लेबनान बॉर्डर पर इस वक्त जबरदस्त युद्ध चल रहा है। हिजबुल्ला इसराइल की धरती पर हमले कर रहा है तो इजरायली सेना उसे मिसाइलों से जवाब दे रही है। इसराइल ने हमास की तरह ही हिजबुल्ला को भी साफ करने का ऐलान कर दिया है। इजरायली सेना जिस तरह गाजा पर मिसाइलें बरसा रही है, वैसा ही ऑपरेशन लेबनान में चलने वाला है। इजरायल के क्रोध की वजह है वो हमले जो हिजबुल्ला लगातार कर रहा है। हिजबुल्ला इसराइल के अलाबाद मिलिट्री साइट पर लगातार हमले कर रहा है। यहां मौजूद इजरायली सेना के पोस्ट को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। हिजबुल्ला के लड़ाके इजरायली सेना के वॉच टावर पर लगातार रॉकेट दाग रहे हैं। बॉर्डर पर निगरानी के लिए लगे इजराइल के कैमरे और रडार सिस्टम को ध्वस्त कर रहे हैं। हिजबुल्ला के हमले क्रोधित इजरायली सेना लेबनान में उन इलाकों पर हवाई हमले कर रही है जहां हिजबुल्ला के ठिकाने मौजूद हैं। इजरायली सेना हिजबुल्ला के ठिकानों पर हवाई हमले के साथ साथ आर्टिलरी से भी भीषण हमले कर रही है। 24 घंटे में लेबनान सीमा पर मौजूद हिजबुल्ला के कई ठिकानों को इजरायल ने ध्वस्त कर दिया।
इसराइल ने एंटी टैंक मिसाइलें फायर करने वाले हिजबुल्ला के ब्रिगेड को भी मिसाइल मारकर खत्म कर दिया। आईडीएफ के हमले में 24 घंटे में हिजबुल्ला के 6 लड़ाके मारे गए। सोलह दिनों में हिजबुल्ला के 19 लड़ाके खत्म हो चुके हैं। दुनिया के नक्शे में आप इस जगह को देख लीजिए, क्योंकि यहीं से तीसरे विश्व युद्ध की आग धधक रही है। उस पहाड़ की चोटी पर जो आप हिजबुल्ला के ठिकाने देख रहे हैं, जो इस वक्त आपको टीवी 9 के कैमरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और मैं आपको बताऊं कि कैमरे की एक सीमा के परे मैं अपनी नंगी आंखों से जब देख रहा हूं, तो मुझे साफ तौर पर हिजबुल्ला के वो ठिकाने और साथ ही साथ आग की वो धधकती लपटें साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और आप देखिए कि ये जो इलाका है ये इजराइल का इलाका है, और इजराइल के इस पहाड़ी पर अभी जो सैन्य ठिकाने बने हुए हैं, जो मिलिट्री पोस्ट बने हुए हैं, उनको निशाना बनाया है हिजबुल्ला ने। लेबनान बॉर्डर पर ये उस विनाशक युद्ध की तस्वीर है जो अब शुरू होने जा रहा है। इसराइल ने लेबनान बॉर्डर से सटे 14 इलाकों को खाली करवा लिया है। हिजबुल्ला भी इजरायली सीमा से सटे इलाकों को खाली करवा रहा है। इसका मतलब ये कि लेबनान बॉर्डर पर बहुत ही खतरनाक जंग छिड़ने जा रही है। इसकी शुरुआत कभी भी हो सकती है। नेतन्याहू ने जो ऐलान किया है उससे यही लग रहा है। इसराइल के पीएम नेतन्याहू लेबनान बॉर्डर पर मौजूद अपने सैनिकों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि अगर हिजबुल्ला युद्ध में उतरता है तो हिजबुल्ला के साथ साथ लेबनान भी खत्म हो जाएगा। गाजा युद्ध इसराइल के लिए जीवन और मौत का सवाल है। हम पीछे नहीं हटेंगे, हमास को खत्म करके ही दम लेंगे। अगर इस युद्ध में हिजबुल्ला उतरता है तो दूसरा लेबनान युद्ध तय है। इजरायली सेना हिजबुल्ला के साथ साथ पूरे लेबनान को मिटा देगी। इजरायल के मंत्री नीर बरकत ने ईरान को भी खत्म करने की धमकी दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर युद्ध में हिजबुल्ला उतरता है तो इजरायल ईरान पर भी हमले कर देगा। इजरायली सेना धरती से ईरान का नामो निशान मिटा देगी। उधर ईरान ने ऐलान किया है कि अगर गाजा पर इसराइल के हमले नहीं रुके तो ईरान किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसका मतलब ये है कि हिजबुल्ला को लेकर जल्द ही महायुद्ध शुरू होने वाला है। इसमें लेबनान के साथ साथ ईरान की भी एंट्री होने वाली है, क्योंकि ईरान लगातार हमास और हिजबुल्ला को मदद कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हिजबुल्ला को 300 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाली फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल दे दी है। हिजबुल्ला इस मिसाइल से इसराइल पर हमले कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो विनाश का वो तूफान आएगा जिसमें कई देश भस्म हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।